घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्वार्टर बचाव यात्रा के तहत जन आक्रोश सभा। जन आक्रोश सभा में पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने सरकार पर किया वार। दबंगों के हौसले हुए बुलंद, पेट्रोल पंप से 4 लाख की लूट, मामले की जांच में जुटी पुलिस। डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है सीएससी, बिना ट्रेसर के कराए जा रहे मरीज का इलाज। खेलते समय बच्चा हुआ लापता, परिजनों ने लगाई पुलिस से गुहार। मामले में पुलिस ने एक महिला को किया गिरफ्तार। संदिग्ध अवस्था में फंदे से झूलता मिला मजदूर का शव, मिलने से इलाके में मची सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बिहार की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। डालमिया नगर उद्योग समूह के क्वार्टर बचाव यात्रा के तहत आयोजित एक दिवसीय जन आक्रोश सभा में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव डेहरी के डालमिया नगर पहुंचे, जहां पूर्व सांसद पप्पू यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि हक की लड़ाई को वो मजबूती से लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने सरकार पर भी जमकर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार माफियाओं को संरक्षण दे रही है। वहीं इस सभा में जाप नेता आलोक सिंघानिया, ललित सिन्हा, धनु श्रीवास्तव, दीपू सिंह, रामचंद्र यादव, जाप प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा सहित कई अन्य लोग उपस्थित रहे। मालूम माफिया ये सब डीएम से लेके, ऊपर से लेके, नेता से लेके पदाधिकारी, इसमें सरकारी और विपक्ष दोनों के लोग बालू माफिया है। और ऊपर से नीचे पैसा जाता है, आम आदमी तबाह हो चुका है बालू माफिया। कहा कि ये हमारी यात्रा मजबूती से लड़ेंगे, अपनी ये लड़ाई हम मजबूती से लड़ेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मंजीत जुड़ेंगे। मंजीत, देखा जाए क्वार्टर जन आक्रोश यात्रा में पप्पू यादव सरकार पर जमकर बरसे हैं। जी जी, आपको बता दें कि डालमिया नगर को क्वार्टर को जो है कि सरकार के जो है कि निर्देशानुसार जो है कोर्ट ने खाली करने के आदेश दिया था, उसी को लेकर जो है कि जाप के सुप्रीमो जो है कि पप्पू यादव डालमिया नगर में आए थे खेल मैदान में। और उन्होंने खेल मैदान के बाद उन्होंने एक बड़ी जो है कि बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि साथ में उन्होंने बालू माफिया पे उन्होंने कह दिया कि बालू माफिया जो है कि उनको सूट एंड साइड और इस तरह का बयान दे दिया। पूछने के बाद उन्होंने कहा कि बालू माफिया ही जो है कि इस तरह का सरकार में रहकर और ये इस तरह का करते हैं। और इसमें जो है कि आपको बता दें कि बालू माफिया से जब पूछा गया कि बालू माफिया पे कि पप्पू जी ये जो है कि सरकार का राजस्व देते हैं बालू माफिया, इस तरह का बोलना आप क्यों बोल रहे हैं इस तरह का, जब कहा गया तो उन्होंने साफ बताया कि सरकार ही नहीं, विपक्ष और जो अधिकारी हैं सब बालू में सम्मिलित हैं। जी मंजीत, 2024 को लेकर क्या कुछ रणनीति साझा की है पप्पू यादव ने? जी,
आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है, अगर हम सरकार में आते हैं, तो जो सबसे पहले जो है कि बालू माफिया को हम खत्म करेंगे, और जो इस तरह का जो बालू माफिया को जो सरकार और जो है कि विपक्ष भी इसमें जो संलिप्त रहता है और संरक्षण देता है, उसको हम खत्म करेंगे। जन आक्रोश यात्रा थी, वहां पर भारी संख्या में लोग मौजूद थे, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए थे? सुरक्षा व्यवस्था की तो मैं बात कर दूं तो कोई खास व्यवस्था नहीं थी, हालांकि उनके साथ एस्कॉर्ट में चलने वाले गाड़ियां थी, और कुछ जो है कि स्थानीय जो वहां के थाना था वो थाने के जो है कि पुलिस तैनात थी, और विशेष किसी तरह का जो है कि उनके सुरक्षा में सरकार की तरफ से कुछ विशेष नहीं दिया गया था। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंजी। खबर गया से है, जहां गुरुआ विधानसभा के राजद विधायक विनय कुमार यादव ने मगध सेंट्रल को कोऑपरेटिव के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया, और साथ ही उन्होंने गया सदर एसडीओ कार्यालय में नामांकन का पर्चा दाखिल किया। बता दें इस दौरान उनके समर्थकों की काफी भीड़ जुट गई। आज मगध सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के भाई नामांकन हुआ। मेरे पिताजी भी लगभग 10 वर्षों से इस पद पे कार्यरत रहे, जो भी हमारे सभी सामाजिक पैक्स के अध्यक्ष, व्यापार मंडल के अध्यक्ष, आज सहकारिता परिवार की भाई मैं शुक्रगुजार हूँ, जो सहकारिता परिवार के लोग ने जो इतना हमें सम्मान दिए, प्रतिष्ठा दिए, आज उन्हीं का देन है कि मुझे गुरुआ विधानसभा का नेतृत्व करने का मौका मिला। ये कोऑपरेटिव का देन है, सहकारिता परिवार का देन है। सहरसा जिले के मिनी पीएमसीएच कहे जाने वाले सीएससी सौर बाजार कई वर्षों से डॉक्टर की कमी से जूझ रही है, और तो और यहां महिला डॉक्टर भी कार्यरत नहीं है। बताया जा रहा है कि बिना ड्रेसर के ही सीएससी सौर बाजार आम मरीज का इलाज कर रहे हैं, जिससे मरीज को काफी परेशानी होती है। बता दें सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र के कुल 17 पंचायत के मरीज सीएससी सौर बाजार में आते हैं, लेकिन यहाँ मात्र 2 MBBS डॉक्टर है, जिसमें से एक प्रभारी पद पर ही कार्यरत है। देखिए फिलहाल स्टाफ की कमी तो है ही, इसके लिए हम जो है सिविल सर्जन से बात किए थे कल दूरभाष पे, वो बोले जल्द ही इस समस्या का समाधान कर देंगे। यहाँ ड्रेसर कई साल से नहीं है, सुनने में आ रहा है 4-5 साल से ड्रेसर नहीं है। 4-5 साल में कैसे काम चल रहा है हॉस्पिटल का? देखिए सरकार जो है स्वास्थ्य विभाग में विशेष रूप से ध्यान दिए हुए हैं, जल्द उनकी जो है नियुक्ति यहाँ पे की जाएगी। अभी जो है मतलब जैसे तैसे कहीं कहीं मतलब एक सप्ताह में 3 दिन यहाँ 2 दिन यहाँ करके मैनेज किया जा रहा है। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां के रहने वाले एक युवक ने अपने हुनर का कमाल दिखाकर सबको दंग कर दिया। बता दें कि युवक की शिक्षा बहुत कम बताई जा रही, जिसके बाद भी युवक ने 25 किलोमीटर तक बैटरी से चलने वाली साइकिल बनाकर पेट्रोलियम से मुक्ति दिलाने का सराहनीय प्रयास किया, जो कि क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। खबर सहरसा से है, जहां एक युवक का 4 साल का बेटा खेलने के दौरान लापता हो गया था, जिसके बाद छानबीन करने के बाद पता चला कि बच्चे समता गांव के किसी महिला के घर में, जहां पहुंचकर परिजनों ने अपने बच्चे के बारे में पूछताछ करने लगा, तो महिला ने परिजन को गुमराह कर कई जगह का नाम बताया। बता दें कि पुलिस लगातार इस मामले की जाँच में जुटी हुई है। खबर मोतिहारी से है, जहां स्वच्छता और व्यवहार परिवर्तन को लेकर आज रामसन प्लाजा मोतिहारी के सभागार में सेव द चिल्ड्रेन द्वारा HVCC कार्यक्रम अंतर्गत सामाजिक कार्यकर्ता, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि और स्वच्छता समिति के सदस्यों का ट्रेनिंग आयोजित किया गया। वहीं सेव द चिल्ड्रेन के राज्य कार्यक्रम प्रबंधक मुकुल कुमार ने स्वास्थ्य और व्यवहार परिवर्तन पर अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि नियमित स्वच्छता एवं सफाई नहीं होने के कारण देश में 20 लाख बच्चों की मौत 5 साल की उम्र में ही हो जाती है। स्वच्छता एवं सफाई को अपनी आदत में शामिल कर एवं बच्चों को सिखाकर इसे कम किया जा सकता है। ये जो HVCC कार्यक्रम है पूरे भारत के 5 राज्यों में चल रहा है, और उसमें बिहार एक राज्य है। इसके पहले भी ये सेकंड फेज है, फर्स्ट फेज हम लोग मोतिहारी में किए थे,
और इस बार सेकंड फेज हम लोग सुगौली ब्लॉक में कर रहे हैं। ये बेसिकली जो है कोविड के बाद कैसे हम लोग व्यवहार परिवर्तन लाए कम्युनिटी में, बच्चों में, समाज में, ताकि कोविड से बच सके। और जो स्वच्छता की बात करते हैं, हम लोग विभिन्न कम्युनिटी के साथ मिल करके, खास करके जो छोटे बच्चे हैं, एडोलेसेंट हैं, युवा हैं, प्लस गांव में जो गर्भवती महिला, धात्री महिला और जो दिव्यांगजन हैं, उनके साथ मिलकर के कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम विभिन्न चरणों में चल रहा है। जैसे छोटे बच्चे जो 3 से 6 साल के, उनके साथ हम लोग ICDS में हैंड वॉशिंग, जो उनको खाना दिया जाता है, जो हॉट कुक्ड मील दिया जाता है, उनके बाद जो खाना है उनको कैसे हाथ धो करके खाना है, ताकि वो जो डायरियल एपिसोड होता है उससे वो बच सके। प्लस स्कूल में जो है एडोलेसेंट है, 6 से 18 साल के बच्चों के साथ किया जा रहा है, क्योंकि जो बच्चे हैं हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि चिल्ड्रन आर द फादर ऑफ द नेशन, तो वो जो सीखेंगे तो भविष्य बनेगा। और एक स्वस्थ भविष्य के लिए बच्चों को हैंड वॉशिंग बहुत ज़रूरी है। हैंड वॉशिंग नहीं होने के कारण देखें कि जो डायरिया, निमोनिया, बहुत सारे तरीके की बीमारियां फैलता है, जो वेक्टर बॉर्न डिजीज। खबर गया से है, जहां NSS संगठन के द्वारा 23 मार्च से 29 मार्च तक कैंप का आयोजन कर लोगों के बीच स्किल डेवलपमेंट, यूथ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट थीम रखकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाया जा रहा है। इसी कड़ी में गया शहर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज कैंपस में स्वच्छता अभियान NSA के सदस्यों के द्वारा कैंपस को स्वच्छ किया गया। बता दें कि स्वच्छता अभियान अनुग्रह कॉलेज कैंपस से लेकर कटाहारी हिल रोड चौराहा तक चलाकर लोगों के बीच स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया। को NSS द्वारा अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज में कैंपस क्लीनिंग अभियान चलाया गया, जिसमें हम लोग कुछ जितने भी वॉलंटियर थे साथ में मिलकर हम लोग लोगों को अवेयरनेस के लिए जागरूक करने के लिए हम लोग बाहरी रोड पर भी हम लोग ने मिलकर आगे बढ़ाए इसको। आज अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज गया में कैंपस जो कोने कोने में जितने भी गंदगियाँ लगी हुई थी, हम लोग सारी इसे सफाई किए। मेमोरियल कॉलेज के द्वारा आज स्पेशल कैंप के अंतर्गत आज छठे दिन हम लोग कॉलेज में स्वच्छता अभियान कैंपेन में चलाएं, जो शांतिपूर्ण से चलाया गया और हम लोग बहुत अच्छे तरह से कवर किए ये साफ सफाई को लेकर, और जागरूकता अभियान भी चलाएं सफाई को लेकर, और फील्ड कवरिंग किए जो, और रैली के रूप में हम लोग जागरूकता अभियान भी चलाएं। अनुग्रह मेमोरियल कॉलेज में आज हम लोगों ने स्वच्छ भारत अभियान का ये प्रोग्राम रखा था, जो कि हमारे शेड्यूल में था, और 26 से 29 तक हमारा प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें आज 28 को हमारा स्वच्छ भारत अभियान का प्रोग्राम था, और इसको हमने कटारी हिल रोड गया में भी काफ़ी देर तक अभियान चलाया रैली के द्वारा, और इससे पहले भी हमारा बहुत सारा प्रोग्राम हुआ है, जिसमें हम लोगों ने यूथ के बारे में सर्वे किया था कि हमारे इंडिया में कितने यूथ हैं जो जॉब करते हैं और नॉन जॉब नहीं करते हैं, और साथ में साथ हमारा ट्रेनिंग भी था कि हमारे जो नए वॉलंटियर्स ऐड हुए हैं उनको ट्रेनिंग भी मिली थी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। अस्थमा हो या फिर आर्थराइटिस, डायबिटीज हो या फिर कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी। एक्सपर्ट्स देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। ब्रेक
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबर की ओर। खबर नवादा से है, जहां रामनवमी पर्व को सफल आयोजन और विधि व्यवस्था के मद्देनजर जिला पदाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से नगर थाना नवादा परिसर में शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक का आयोजन किया और साथ ही उन्होंने शांति समिति एवं जनप्रतिनिधि को शांतिपूर्ण और भाईचारे के वातावरण में सभी पर्व और त्योहार को मनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। नालंदा जिला अंतर्गत परबलपुर मई गांव में छेड़खानी का विरोध करने पर बदमाशों ने घर पर चढ़कर फायरिंग करते हुए पथराव कर दिया और इस दौरान घर के करीब 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, जब तक बदमाश गांव छोड़कर भाग चुके थे। आपको बता दें, फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर मोतिहारी से है, जहां अपराधियों ने कंप्यूटर से प्रिंट कर लेटर एक डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक से 2 करोड़ रुपए बतौर रंगदारी देने को कहा और साथ ही कहा कि पैसे न देने पर परिजनों की हत्या कर देंगे। वहीं इस मामले की सूचना मिलने के बाद प्रभारी सदर डीएसपी रंजन कुमार ने डॉक्टर की क्लिनिक पर पहुंचकर इस मामले में पूछताछ की और मामले को लेकर एसपी कांतेश कुमार मिश्र ने सदर डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया और एसपी ने कहा कि मामले में पुलिस जांच कर रही है और आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सफाई कर्मचारी आते हैं, अपने साफ करके चले गए। उस वक्त पेशेंट आते हैं, ब्लड का कलेक्शन होता है। उस दिन संडे था, संडे को हम आए नीचे हुआ। उसके बाद हमको थोड़ा डॉक्टर बी के पांडे सर के यहाँ जाना था, तो वहाँ हम चले गए। उनसे मिल कर हम आए, स्टाफ लोग फ़ोन किए कि भाई काम है यहाँ, ये काम किए हम। काम करने के बाद कुछ कागज़ वगैरह जो आया था, रिएजेंट संबंधित बिल वगैरह, वो सब हम समेट के 4:42 के आसपास हम खाना खाने चले गए। इसी के ऊपर हम रहते हैं। छतौनी थाना में ये मामला दर्ज किया गया है और एक विशेष टीम का गठन किया गया है डीएसपी सदर श्री रामपुकार सिंह के नेतृत्व में, जिसमें कि डीएसपी प्रोबेशनर अजीत कुमार, एसएचओ छतौनी और डीआईओ के टीम है और हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हर पहलू पे जांच की जा रही है और जल्द ही इस मामले का। खबर रोहतास से है, जहां रोहतास जिला के तिथौलू प्रखंड के अंतर्गत निमियाडी गांव के पास पेट्रोल पंप से अज्ञात अपराधी 4 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। वहीं इस घटना के बारे में रोहतास एसपी विनित कुमार ने बताया कि 2 मोटरसाइकिल से आगे 4 अज्ञात अपराधियों ने निमियाडी पेट्रोल पंप से 4 लाख रुपए लेकर फरार हो गए, जिसकी तलाश जारी है। वही सर, की हम रूम के दरवाजे पर खड़े थे बाहर में, वहाँ से पहले दो आदमी आए, वहाँ नल जो चल रहा है वहाँ पर आकर के हाथ धोने लगा और सब जैकेट पहनले था, जैकेट के अंदर में सामान था, वो सबको जैकेट पहन करके आया था और हाथ धो करके तुरंत इसके बाद उन लोग को देखा तो हम बाहर निकले तो एक आदमी हमको धर करके हाथ और अंदर घुसा करके और बाहर से बंद कर दिया और बंद करके वहाँ से और 2-3 आदमी धीरे थे और सब यहाँ पहुँच करके इन लोग के धर के और घिंचना और मारना शुरू किया और पैसा छीनना। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ पर्व का शांतिपूर्ण तरीके से समापन हो गया, जहां मसौढ़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न छठ घाटों पर अस्ताचल और उदयमान सूर्य को अर्घ अर्पित किया गया। इस लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व में सभी मंदिर कमेटी, मसौढ़ी अनुमंडल प्रशासन, पुलिस प्रशासन और समाज सेवियों का सफलतापूर्ण समापन महत्वपूर्ण योगदान रहा है। खबर सहरसा से है, जहां सरयाम कोर्ट में दबंगों ने गोली चला दी और गोली लगने से एक कैदी की मौत हो गई। बता दें कि दबंगों ने तकरीबन 5 राउंड गोली फायर की, जिसके बाद कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं पुलिस ने इस मामले में एक अपराधी को भी गिरफ्त में ले लिया है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से सुशासन के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खबर बक्सर से है, जहां के केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्वनी कुमार चौबे ने कहा कि दिल्ली छतरपुर मंदिर परिसर में 6 अप्रैल से 10 अप्रैल तक बक्सर के तर्ज पर सनातन संस्कृति समागम का आयोजन किया जाएगा, साथ ही धर्म संसद व विश्व गुरु भारत तथा विश्व शांति के लिए महायज्ञ होगा।
खबर सुपौल से है, जहां जिला के पिपरा थाना इलाके ठाड़ी भवानीपुर पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 14 में विशनपुर में निर्माणाधीन छात्रावास में काम कर रहे मजदूर का संदिग्ध अवस्था में फंदे से झूलता शव मिला। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। बताया गया है कि मजदूर पवन कुमार छपरा जिले के रहने वाले थे और 10 दिन पहले ही वो काम पर आए थे। वो निर्माणाधीन भवन में पेंटिंग का काम करते थे। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पिपरा पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। आज के लिए बिहार की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल। जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम। पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम। निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। चाणक्य की कूटनीति हूँ मैं, आर्यभट्ट का आविष्कार हूँ मैं, राजनीति की पराकाष्ठा हूँ मैं, गरीबों की आवाज हूँ मैं, क्योंकि प्राइम बिहार हूँ मैं। प्राइम बिहार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे होगा भरपूर मनोरंजन, जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस। वायरल स्टेशन, सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म